गाइज यहाँ ना कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें मेरी फिक्र है, वो भाई मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ये क्या बात करता है। तो मतलब यार पता है तुम, नींद कैसे आती है साला? फिर मतलब मैं इतनी वो हूँ खुद, छोटी बच्ची हो क्या? ओवर थिंक करती हूँ इतना। अगर मेरी मम्मी ने मेरे को कुछ कह दी नहीं इतनी सी बात, तो मैं 2 दिन तक क्या पता उस बात पे मुंह चढ़ाए रखूंगी। और मुझे ये हुआ क्या ही कैसे मुझे। और इधर 9 बजे सो जाते हैं भाई, और फिर कहते यार तेरी टेंशन करते, कहाँ है टेंशन, ओवर थिंक करो भाई, मजा आया। ओवर थिंक करो, नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। और तुम तो साला 9 बजे सो के सारी रात सो के दिन में फिर 2 घंटे सो जाते हो। और कुछ बंदू जैसे कवरेज फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब फ्रेंडों की बात को कवर करते हैं, वैसे ही एक कवरेज फ्रेंड है हमारे पास। वो क्या कहते हैं कि यार पेट पे रखते ही फोन नींद आ जाती है। ओवर थिंक करो भाई, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें मेरे टॉक्सिक फ्रेंड्स के बारे में बताती हूँ। एक है फतेहबाद से, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई मेरे से। उनका कदे बुल्ले बट के फोन आ जा यार, मैं कहा हाँ हाँ आगे यार फतेहबाद आ जाओ। क्यों भाई किस लिए पार्टी करेंगे? उनकी पार्टी में होता क्या है? कुछ नहीं होना उनकी पार्टी में। और फिर चले गए हम तो मर लड़ाई हो जानी है, वो कुछ और ही बन जाना है। और इस बार उन्होंने बोला भाई हमारा कॉलेज है तो तुम कॉलेज आना, तो तू 3-4 दिन रुकना। भाई इस बार हम 3-4 दिन रुकेंगे तो पहले तो सॉल्व हो जाएगा दे बैटर, रीप को नहीं हो है 3-4 दिन में तो की कड़ा पहुंच जाओगी, समझ रहे हो ना। से मतलब और एक है हमारी फ्रेंड मोची, उनके तो क्या ही कहने, वो दावा करते हैं कि वो मेरी, मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मैं इतनी परेशान, इतनी विपत्ति थी मुझ पे, उस बंदी ने मेरे से 15-20 दिन बात नहीं की, पूछा भी नहीं। और 15-20 दिन मुझे उसे दिख गया, हाँ ये अच्छी वीडियो बनाने लगी, सब कुछ ठीक हो गया, स्टोरी मेंशन। मेरे फ्रेंड्स तो अलग ही जोन के, अलग ही लेवल के, बात ही निराली है उनकी। एक फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक टॉक्सिक फ्रेंड होता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तीनों से ऊपर है, नाम ही नहीं दे सकती मैं उनको और कुछ कह ही नहीं सकते उनको, फ्रेंड है ना इसलिए कुछ नहीं कह सकते। और एक और महाजन है, वो जब उन्हें पता चला मेरी विपत्ति खत्म हो गई, उनका मेरे पास मैसेज आता, दीक्षा मैं कहा हाँ 500 रुपये भेज दे, मैं कहा अबे साले जो माफ करना, मैं इधर उधर तमीज तमीज से वो से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे जब साले वीडियो देख रहे हैं तू, अबे साले चला जा। और हम ओवर थिंकिंग की बात करते करते टॉक्सिक फ्रेंड्स पे आ गए, बात ओवर थिंकिंग की, और ओवर थिंकिंग पे ही रहने दो। और बात यही है भाई, मुझे नहीं पता चल रहा तुम मेरी टेंशन कर रहे हो। मुझे फील ही नहीं हो रहा तुम मेरी टेंशन कर रहे हो, सारा दिन सोते रहते हो इधर, साला दिन में नींद को नहीं आवे, रात में नींद को नहीं आवे, 3:30-4 बजे सुबह सोते हैं, 10-11 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं सोते। इतनी फ्यूचर की टेंशन हो जाती है कई बार तो मैं खुद ये सोचने लगती हूँ भाई मैंने ये नहीं किया ना, अपने बालकों को करवाऊंगी फ्यूचर में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सोच देखो मेरी ओवर थिंकिंग की। और ये नींद आ गई थी पता भी नहीं चला। कोई नहीं, चल छोड़, ओवर थिंक कर लिया थोड़ा सा।